की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, नमा पार्वती पते हर हर। बैठ जाओ पागलों। सीताराम, अरे साधु जी, बालाजी, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की। बैठो माले खरो, बैठो 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 बैठो। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगल आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार से जो नर नारी बागेश्वर में आते हैं, आते हैं, संकट भी कट जाते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं, दरबार है आज मंगल, दरबार है बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, सन्यासी बाबा की कृपा खाली झोली भरती है, सन्यासी बाबा की सेवा खाली झोली भरती है, सन्यासी बाबा की कृपा खाली झोली भरती सवरती है, फिर तो होती जय जयकार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगल है, बागेश्वर दरबार, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, द्वार है बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, ये तो बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सुबह 10 बजे से बैठे पगलन की, आज के महादरबार की, चमीटा वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। 3 दिन मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बागेश्वर बालाजी के कृपा प्रसाद का दिव्य दरबार, मानव जीवन के कृपा प्रसाद का दिव्य दरबार, जिसमें मानव जीवन की दैहिक दैवक भौतिक समस्याओं का समाधान रास्ता लाखों लोग पाते हैं, और बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार वर्तमान समय में पूरे भारत के सनातनीय हिंदुओं के जगाने के लिए लगाया जा रहा है। इसमें केवल भारत के ही लोग नहीं, भारत के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी बागेश्वर धाम पर आकर के अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों का हल पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों,
हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं और कलयुग के राजा हैं, समय समय पर अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तीर्थ पर अपनी लीला को बिखेरते हैं। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। लोग बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का ध्यान करने वाले, उनके चरणों से जुड़े हुए चंचरी की जिज्ञासु, बागेश्वर धाम के बीज मंत्र का जाप करने वाले, बागेश्वर धाम पर पेशी करने वाले प्रियजन, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की तपस्या, उनकी सिद्धियां और उनका प्रताप और उनका बल और दादा गुरु जी के यज्ञों का प्रताप बागेश्वर धाम की भूमि के कण कण में व्याप्त है। लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आते हैं और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भर कर लेकर के जाते हैं। जो भी परहेज करता, जो भी पेशी करता, जो भी बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करता, याद रखना केवल हनुमान जी के दरबार में आकर नारियल बांधने से, पर्चा बनवाने से काम सफल नहीं होता है, हनुमान जी का हो जाने से काम सफल होता है। और मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हमारे गुरुदेव ने भी यही सिखाया, हम भी तुमको यही सिखाने बताने और जगाने के लिए आए हैं। हमें ना तो चमत्कार दिखाना है ना भीड़ जोड़ना है, और दक्षिणा तो हम तुमसे लेते ही नहीं। मेरे प्रियजनों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े और तुम्हें दरबारों में धक्के ना खाने पड़े और तुम्हारी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का समस्या का समाधान हनुमान से प्राप्त हो जावे। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव, जहां लाखों लोग अपनी बाधा का हरण करवाने के लिए आते हैं, अपने जीवन की समस्या का समाधान लेने को आते हैं, और जो भी भक्त 21 अथवा 31 पेशी महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की करने का संकल्प लेता, दर्शन करता है और जो भी विधि करता है, जो भी परहेज करता है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई जात तुम पाही, पर कोई काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज की कृपा से। ज्यादा पावरफुल देवता हनुमान जी जैसा सहज सरल देवता कोई और नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई अक्सर हम बोलते, और देवता हनुमत से ही हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों और मेरी आत्माओं और मेरे परिवार के सदस्यों और मेरे संबंधियों, याद रखना हमारा उद्देश्य केवल पर्चा बन पीछे तुम्हें पारना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में सिर्फ इतना है कि तुम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर पा जाओ, तुम ऐसी कुंजी पा जाओ, तुम ऐसा उपाय पा जाओ, तुम ऐसी विधि पा जाओ, तुम ऐसी साधना पा जाओ कि तुम्हें जिंदगी में तुम तो तुम, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी दरबारों में ना भटकना पड़े और गुरुओं के पीछे ना पड़ना पड़े और हर समस्या का समाधान तुम पा जाओ। और अगर वास्तविक में तुम पाना चाहते हो, उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो, अगर तुम पाना चाहते हो कि तुम्हें दरबार में ना भटकना पड़े और कोई मंत्र मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें घर बैठे ही समस्या का समाधान मिल जाए, मेरे पागलों, दर दर भटकने से समाधान प्राप्त नहीं होता है, दर दर भटकने से समस्या। उसी प्रकार समस्या भी, जितनी जगह तुम ज्यादा उपाय करोगे उतना ज्यादा रोग बढ़ता चला जाएगा और भगवान के नाम से तुम्हारा भरोसा उठता चला जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो साधारण जीव, पापी जीव, नालायक हैं, मूर्ख अज्ञानी हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम तो हनुमान जी के चरणों के छोटे से चंचरी के दास हैं, छोटी सी छोटी मोटी उनकी जो दया है, कृपा है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हम भारत में तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएं। और वो सर्वोत्तम उपाय, अब वो सर्वोत्तम उत्तर, अब वो सर्वोत्तम समाधान, अब उस विधि का नाम यह है, उस उपाय का नाम यह है, उस प्रयोग का नाम यह है, उस जब तक यज्ञ का नाम यह है कि तुम आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो।
जब छोटे बच्चे को माताएं खिलाती हैं तो छोटे बच्चे को कई बार हवा में ऊपर की तरफ उछाल देती है, लेकिन बालक न रोता है न भयभीत होता, बालक अपितु खिलखिलाता है। बालक वह बच्चा, छोटा बच्चा इसलिए खिलखिला करके हंसता है क्योंकि उसे पता है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ या मेरा पिता मुझे संभाल लेगा। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम हनुमान जी के हो जाओगे, तुम भी खिलखिलाने लगोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर ये बल आ जाएगा कि अगर मैं गिरूंगा तो संभालने वाले सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और इस कलिकाल में हम और तो ज्यादा नहीं कह सकते, तुम बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ आए हो, तुम्हारे भरोसे को हम मानते हैं और तुम्हारी श्रद्धा को भी हम मानते हैं। हमारे अंदर अमानवीय कृत्य नहीं है मेरे प्रियजनों, हम तुम्हारी आस्था को भी जानते हैं। पैदल चल चल करके तुम हमारे नजदीक तक पहुंच पाते हो, बड़ी मुश्किल से यहां भी तुम हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। कई बार सेवादार धक्का दे देते हैं तो कई बार तुम्हारे ही अगल बगल वाले लोग धक्का दे देते हैं और तुम वंचित रह जाते हो और तुम्हें लगने लगता है कि हमें शायद कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे गुरुजी, या समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे पागलों, हम तुम्हारी मजबूरी को मानते हैं कि तुम किराया उधार उठा करके आते हो, हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम घर से लड़ करके आते हो, हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ताने देते हैं कि कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारी इस मजबूरी का फल एकदम मीठा होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मधुर मीठा फल, मुस्कुराता हुआ जीवन पाएगा। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो, और अगर तुम केवल भटकने के लिए या चमत्कार देखने के लिए या केवल पर्चा, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। मेरे पागलों, हमारा एक सिद्धांत जीवन में सदा से रहा, 16 वर्ष हमको बालाजी के चरणों की सेवा करते या जो भी बालाजी ने हमें दे रखी चूरन चटनी सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दो, 16 वर्ष हो गया, आज तक हमने कभी भी अपनी सिद्धि से ये नहीं कहा कि आप किसी के बारे में नाम बताओ या प्रश्न बताओ। हम अक्सर एक ही प्रार्थना करते कि जितने दरबार में प्रांगण में जो जहां बैठा है, जो श्रद्धा से आया है, जो प्रश्न लेकर आया, उसका समाधान हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बालाजी ने भरी है। मेरे प्रियजनों, तुम थोड़ा धैर्य भर रखना, अधैर्य मत होना, इतने कमजोर मत होना कि तुमसे हम मिल ना पाए तो तुम्हारी आस्था टूट जाए। मेरे प्रियजनों, याद रखना, धैर्यता का सब्र का फल मीठा होता है। सबरी ने धैर्य रखा था, सबरी ने प्रतीक्षा की थी, सबरी ने इंतजार किया था, परिणाम सबरी के घर राम भी आए थे और आज भी सबरी जगह जगह जिंदा है। 24 घंटे में रोज लगे हैं, आज ही सुबह 4 बजे तक मरीजों को मिलते रहे, अब हमारा भी बुढ़ापा आ चुका है, जल्दी थक जाते हैं, पर प्रयत्न आज भी हमारा है कि कोई निराश ना जाए। आज भी हमारी कोशिश है कोई दीनहीन हमसे वंचित ना रह जाए, कोई हमसे बिना मिले ना चला जाए। और अगर तुमसे मिल नहीं पाए तो धैर्य मत खोना, हम तुम्हें वचन देते हैं कि एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। और ये भी हम तुमको कह देते हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, तुम नियम का मंत्र का जाप करो, पेशी का नियम करो और गिनती से नहीं विनती से करो। मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं और बहुत गारंटी के साथ कहते हैं कि अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी समस्या का समाधान होकर के रहेगा, चाहे हनुमान जी से हम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, 6 दिन पगुआ पी लें, मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर लें, ठटरी के बरे न कटा, असंभव है, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक आदमी हमें मिला होगा तुम्हारे बीच का, हमने कहा और बताओ क्या हाल है, बोले सब बेकार है। हम कहा बेकार है सो तो ठीक है, पर एक बात बताओ कितने दिन से आ रहा है, बोले 15 बार आ चुके, एक भी काम नहीं हुआ। हमने हनुमान जी महाराज से, सन्यासी बाबा से प्रार्थना की कि बताओ ऐसे आदमी आते रहेंगे काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा। तो गुरु जी हमारे सन्यासी बाबा आ गए, बोले इससे रिटर्न में तो पूछो कि कुछ नियम करते हो कि नहीं। हमने कहा क्यों नियम करते हो, बोला हनुमान जी की कसम लहसुन प्याज जब से जुड़े आज तक नहीं खाया। तो धीरे से गुरु जी बोले पगुआ के बारे में पूछो। हम कहा क्यों पीते हो, बोले वो आपने रोका ही नहीं था। देखिए तो जमाना, ऐसे ऐसे लोग हैं, 6 दिन पगुआ पीते हैं, मंगलवार को करते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आ। एक आदमी छाता लेने गया मार्केट, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहा हूँ। क्यों छाता लेने, पत्नी ने कहा सुनो दुकान में मार्केटदार से कहा छाता चाहिए। दुकानदार ने काले रंग का छाता दिखाया
और छाता को देख करके पूछा कितने रुपए का है। दुकानदार ने कहा 16 रुपए का है। तुरंत पत्नी का आज्ञाकारी पति का नहीं देगी। दुकानदार बोला 8 तो बहुत कम होते हैं, चलो एक काम करो, सुबह का टाइम है, बोनी खराब मत करो, 14 रुपए दे दो। बोलो फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम रेट घटा रहे तो तुम भी घटा रहे हो, ये कोई तमाशा थोड़ी है। छात्र बोले तुम पागल आगल हो क्या, हम रेट घटा रहे तुम घटा रहे, अरे तुम्हें बढ़ाना चाहिए। वो बोला नहीं। तो बोला चलो अब दिमाग मत खराब करो, अब जो हो गया सो हो गया, 10 रुपए आए के आए रेट पर तुमको छाता मिलेगा। फिर तो ये हाथ जोड़ करके बोला फिर तो 5 देंगे। अब तो दुकानदार का माथा सनक गया, बोले फ्री में ले जा। दुकानदार ने भगा दिया, पूरे दिन भर मार्केट में घूमता रहा, छोटी सी वस्तु छाता नहीं मिली। शाम को खाली हाथ आया, पत्नी ने कहा छाता मिला? बोले नहीं मिला, ठगने वाले थे मेरे पागलो। इस कहानी की बात यह है, छोटी सी वस्तु छाता भी नहीं मिली, क्यों? एक भाव तक किसी की नहीं होगी, इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, पड़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो और जोर से बोलो बागेश्वर बालाजी के, हमारे चक्कर में नहीं, किसके? और हमारे पीछे मत पड़ो। हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें यहां हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने नियम का पालन कर दिया तो हमारे वाईफाई में तुम्हारी बातें भी आ रही हैं और तुम्हारा काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सियाराम। आज तुम सोच रहे होगे गुरु जी बैठ क्यों नहीं रहे, हमने कसम खाली नहीं बैठना है। अरे बैठने तो है पर पीछे वाले खड़े हो जाते, उन्हें दिखा नहीं है कि जिन्हें दिखता नहीं है, फिर वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो दूसरा वाला फिर तीसरा वाला, धीरे धीरे ऊंटों की तरह दिखाई देते, से लफड़ा हो जाता है। इसलिए हम ही खड़े के लो भाई दिखाई दे रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आगामी सूचना ये है, मिलते नहीं है, अब हम थोड़ा बीच में बिगड़ गए थे, अब सुधर गए। सुधार ऐसे गया कि बीच में हम बाहर थे, अब हमने नियम ले लिया कि हर महीने में 15 दिन बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इसलिए रहेंगे, कई लोग 10,000 रुपया की डीजल गाड़ी किराया उधार लेकर आते हैं मिलने के नाम पे, और हम इतने पे मिलते नहीं। बाबा जी कहाँ है? बाबा जी तो कथा में है बंबई में। बेचारों को अच्छा तो लगता है बालाजी के दर्शन करके, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को निराशा हाथ ना लगे। हमारा उद्देश्य ये है, देखो अमीरों के तो लाखों गुरु, उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते हैं? जी जय हो। उनका कौन है जो जगह जगह धक्के खा करके आते हैं? उनका कौन है? कई अमीर यहाँ ऐसे बैठे जो अंदर आ जाएंगे और हमारे पुलिस वाले भी उनको तुरंत इंटरव्यू दे देंगे। जो फॉर्चूनर कारों से आते हैं उनको तो सबको एंट्री दे देता है। उनका कौन है जो गंज टावर से पैदल चलकर इसलिए आते हैं कि 10 रुपया बच जाएंगे? इसलिए हमने नियम लिया है कि हम बागेश्वर धाम पर हर महीने में 15 दिन रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल भारत के लोगों को जगाना है। और मेरे पागलो, जब तक इस भारत में, वैसे भी राम राज्य की क्रांति प्रारंभ हो चुकी, और जब तक इस भारत में जगह जगह राम नाम की क्रांति नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस भारत में हम धर्म विरोधियों की दुकानें नहीं चलने देंगे। इस भारत में हम अब तांत्रिकों की दुकानें नहीं चलने देंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हो, चाहे कितने भी खड़े हो। इस भारत में अब एक ही बात चलेगी, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और मेरे पागलो एक बात और सुनो, हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। तुम सोचो हम मिले नहीं तो तुम घर चले जाओ, तुम टीवी तो चलाओगे, अपन टीवी पे प्रकट हो जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, अपन यूट्यूब पे प्ले हो जाएंगे। ले तो हमने नया सीख लिया, पोस्ट बन के आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद करोगे, एक और नया सीख लिया, रील। अपन उस पर आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, सोगे तो सपनों में आ जाएंगे। अपन सपने में आएंगे। जय हो। फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। अच्छा पता है हम तुम्हारे पीछे इतने क्यों पड़े? पूछो पूछो। हम तुम्हें हनुमान जी का बनाना चाहते हैं।
हम तुम्हें बालाजी का बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे परिवार के हंसते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, हम तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में नहीं भेजना चाहते हैं, हम तुम्हें जगह जगह भटकने नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे हमने कृपा पाई वैसे तुम भी बालाजी को पा जाओ। सभी जन्म को सीताराम, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, भले ही एक दिन के लिए आई हो, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। ताराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। और हाँ, हम ऐसे हाथ फेर रहे थे, एक लड़का दवाई लेके आ गया, हमने कहा ये क्या है, बोले जुआ मारने की दवाई है। हम कहा ठटरी के बारी नक कटाका है हमें जुआ भाई, वो तो बीच बीच में जब पसीना आता है तो खुजली होने लगती है, हमारी आदत है, अब कई लोग खुजली को दबा देते हैं, हमारी नहीं दबती, हम खुजा लेते हैं, भाई जो होगा सो जो होगा, देखो सो जो है सो सामने सही बता दिया कि कई लोगों को लगे गुरु जी को जुआ है, नहीं नहीं हम इतने घिना थोड़ी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आज पुरानी पेशी का दरबार है, आपको पता होगा कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगने लगा, हर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगने लगा। एक आज की नई सूचना और घोषणा ये है कि मंगलवार और शनिवार को प्रेत रोगी आने में दो दो बार खर्चा होता है। हमने गुरुजी से पिछली बार अर्जी लगाई थी तो उन्होंने आज्ञा दे दी जिनको प्रेत बाधा है उन रोगियों के पर्चे शनिवार को ही मान्य होंगे चढ़ना। तो बाकी प्रेम पूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, पेशी का नियम करते रहो। एक बात और बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। हाथ उठाओ दोनों जो प्रत्येक का चाहते हैं, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी तीन शर्तें हैं, मानोगे? जी। चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक कबाड़ी आदमी है, पापी जीव है, हमारे चक्कर में ना पड़ना। पड़ना ही है, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर कह देना अब हमने बहुत भटक लिया, हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। तो जाओ बागेश्वर बालाजी की कृपा से, जब जब संकट आएगा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएंगे। जाओ तुमको हाथ में दे दो बेटा, बूढ़ी मताई को वो दे दो हाथ, नहीं तो माता अभी प्राण दे दे। लो मताई हमने ओढ़ लो, ठीक है माता। वो बेचारी सिद्धार्थ से ले आई 150-250 रुपया को तबाही हुई है, तो कहा तुम उन्होंने किला नहीं ले आई, लो मताई हमने ओढ़ लो ठंडी आशीर्वाद हनुमान जी जय जय कर। हाँ अच्छा, पुस्तक सनातन धर्म क्या है, किस किस ने पढ़ी? हाँ सनातन धर्म क्या है पुस्तक हमारी जो हमने जो 5 दिन, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है, हमने उसमें लिख दिया। तुम्हारे यहाँ शादी होने के बाद तुम 3 बार कह देती तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है। हमारे में शादी अनुबंध नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। कई लोगों को मिर्ची लग गई, अब किसी को मिर्ची लग गई तो हम क्या करें, हम तो ऐसी पुस्तकें लिखते रहेंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सनातन की संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मुस्कुराते रहो, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, पर टोकन नंबर बैठे 2000, अब हमें बेफ्री करने दरबार हॉल में बैठ गए पर्चा चढ़ाने, उनकी भी ट्रेन और बस रहती है, आप लोगों की भी रहती है, कल दरबार लगाएंगे। भंडारा खा लिया तुम लोगों ने, दर्शन भय बालाजी के हो गए, परिक्रमा कर लिया है, अच्छा जाओ सबकी अर्जी स्वीकार है। अब आप जाओ, जब स्वीकार ही है तो जाओ, तो मैं प्राण खाए बिना चाहे बैठो बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा लें। हाँ जी दे दो इन्हें,
और हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणि मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा दादा गुरुजी को, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा ने हमको यह उपाय दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, नियम का पालन करेंगे, बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, काम सफल होने, और ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों बागेश्वर बालाजी की कृपा और अर्जी भी स्वीकार। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोल दो, हम उपाय कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे दादा गुरुजी महाराज, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम वचन देते हैं जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, नियम भी करेंगे। लेकिन हे बालाजी, हमारे घर में जो भी अलाय बलाय, जो भी बाधा, जो भी पीड़ा हो, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। सेनापति तुरंत दरबार में आ गए, चमीटा की माल लगाई जावे, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री पृथ्वीराज सरकार की, साधु जी, अरे पागलो, ओ बागेश्वर धाम के पागलो, जाओ ऐसे ही हंसते रहो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम तुम्हारे पाप का घर है, आया जाया करो। जय सीताराम, जाओ सबकी अर्जी सुनी जाएगी। 1000 नंबर है, हम उन्हें फ्री कर ले रहे, तुम उन्हें भंडारा पाके, जिनकी ट्रेन हो वो पकड़ लो, जिन्हें रुकना हो वो रुको, बढ़िया टेंट में व्यवस्था हो जाए। सीताराम, जय हनुमान जी, अरे जय बालाजी, उत्सव
बाबा बालाजी के दर्शन कर ले। और आप सभी से